नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हमारे एग्जाम्स के बाद जो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन के कुछ टॉपिक्स हैं हम उन्हें क्लियर करते हैं, क्योंकि शायद एक या दो चैप्टर हमारे रिमेनिंग है, उन्हें भी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर देंगे। पर ग्रामेटिकल चैप्टर टॉपिक्स पहले करते हैं। हम कर रहे थे हमारा लकार वाला टॉपिक, तो लकार में आज हम करते हैं हमारा ऋट लकार। कौन सा लकार? ऋट लकार। देखिए ऋट लकार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। ऋट लकार का अर्थ होता है भविष्य का। संस्कृत में भविष्य कहते हैं और हम यहाँ भविष्य लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम भविष्य लिखेंगे, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। भविष्य का यानी फ्यूचर है। अब हम जैसे पहले कर रहे हैं इसे हम वैसे करेंगे। हम लिखेंगे एक बार प्रथम पुरुष, इसके बाद लिखेंगे हम मध्यम पुरुष। पुरुष है बोलेंगे क्योंकि हम संस्कृत कर रहे हैं। और इसके बाद लिखेंगे हम उत्तम पुरुष, ठीक है। यहां लिखेंगे हम एक वचनम, ये द्विवचनम। आप जानते हैं द्विवचन सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल होता है, एक से बहु होता है। द्विवचन दो की संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में आता है। और एक है हमारा बहुवचन, यानी दो से ज्यादा के लिए। अब हम कर रहे हैं लिट लकार यानी भविष्य काल की बात। लिट लकार यानी भविष्य काल की बात। तो भविष्य काल के प्रत्यय करेंगे हम सबसे पहले। भविष्य काल के प्रत्यय होते हैं बच्चों श्यति, और ये श्यत, श्यामी, श्याम है, और श्याम। अब आपको एक बात और समझानी है मुझे, वो क्या है। हम जब भी स्कूल या स्कूटर या कोई भी आधा व्यंजन वर्ण बोलते हैं, या फिर हम इक्तय और इक्त्वा प्रत्यय बोलते हैं, तो भी हम क्या लगाते हैं, ई का स्वर लगाते हैं। स्कूल को हम स्कूल नहीं बोलते, स्कूटर को हम स्कूटर नहीं बोलते, इक्त्वा को हम कत्वा नहीं बोलते, प्रत्यय को हम त नहीं बोलते। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में ही बताया जाता है कि देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, तो कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं की बात नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट हम आधे व्यंजन वर्ण से पहले ई का स्वर लगाते हैं, यदि नहीं हो तो भी। अब यहाँ आधा श लग रखा है, तो इसके प्रत्यय हम जब जोड़ेंगे धातु के साथ, तो हम उसके साथ साथ छोटी ई का स्वर भी इंक्लूड करेंगे। अब वो छोटी ई का स्वर कैसे इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी क्लियर करते हुए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ धातु लिख देती हूँ कुछ, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किस धातु के रूप बनाने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमने बनाए चल धातु के, जिसका अर्थ होता है चलना, ठीक है। हमने बनाए खाद धातु के रूप, जिसका अर्थ होता है खाना। गम धातु के रूप, जिसका अर्थ होता है जाना। आगम के रूप, जिसका अर्थ होता है आना। क्रीड के रूप, जिसका अर्थ होता है खेलना। हस्त धातु के रूप, जिसका अर्थ होता है हंसना। भाव के रूप, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। सुन रहे ना ये बातें कि किसका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप बनाएंगे। मान लीजिए हमने लिखा या पट धातु के रूप, तो पट का अर्थ होता है पढ़ना। आप इन धातुओं से बनाएंगे फिर इनसे तो बहुत इजी बन जाएंगे, कोई बात नहीं है यदि आप एक बार बनाना सीखे तो। अब देखिए जहां वापस वही प्रथम पुरुष लिखते हैं, ये मध्यम पुरुष,
और ये उत्तम पुरुष। अब हम स्टार्ट करें बनाना। देखिए क्षैतिज लिखा हुआ है, चलते बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए चल प्लस क्षैतिज, चल प्लस क्षैतिज, तो देखिए बनेगा क्या है। बनाए चलिष्य, क्षैतिज लगाए अपने आप क्योंकि प्रत्यय है। इससे पहले यहाँ ई का स्वर आएगा, ये बताया था मैंने अभी अभी आपको, स्कूल स्कूटर इत्यादि करते वक्त। तो ध्यान रखें चल धातु में क्या लगाया हमने, जो भी धातु उसमें छोटी ई का स्वर लगाते और साथ में क्षैतिज लिख दे, बन गया आपका लिट लकार का धातु रूप। अब हम बात कर रहे हैं क्षैतिज की, तो हम चल लिखेंगे प्लस ये क्षैतिज लिखेंगे तो क्या बनेगा, चली क्षैतिज। और यहां हम लिखेंगे चल प्लस क्षैति, तो रूप क्या बनेगा, चली क्षैति। बात समझ में आई, ई का स्वर ल में इंक्लूड करना है लिट लकार के समय, सिर्फ लिट लकार के समय। मान लीजिए अब लिखते हैं वापस चल प्लस क्षति, तो क्या बनेगा, चली क्षति। चल धातु प्लस क्षति। एक बात और आपको याद दिला दूं कि यदि आप लट लकार के प्रत्ययों को याद कर लें तो रिट लकार के प्रत्ययों को याद करना बहुत आसान है। यानी वर्तमान काल के प्रत्यय यदि आपने याद कर लिए हैं तो आप भविष्य काल के प्रत्यय भी याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ ये शय लगा हुआ है एक्स्ट्रा। देख लीजिए आपको, अति अतः अंति, असि शय को हटा दीजिए, यह की जगह ए मान लीजिए, यशि अतः अत, आमी आव है और आम है। तो लिट लकार में क्या करना है, सिर्फ श लगाना है। बाकी प्रत्यय कौन से होते हैं, लट लकार के। वर्तमान काल के प्रत्ययों को आप भविष्य काल के प्रत्यय में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये श और ये ये हलंत लगाएगा, लगाएंगे इसमें आपकी होता ही वही जुड़ जाएगा। तो क्षति क्षता क्षयंती क्षति क्षत श्यामी श्याप और श्याम है, रूप बनाते हैं आप। चलिए क्षत और चल प्लस शत, रूप क्या बनेगा, चलिए शत, क्लियर। अब देखिए श्यामी, चल प्लस श्यामी तो क्या बनेगा, चलिए श्यामी। चल प्लस श्याम है तो रूप क्या बनेगा, चलिए श्याम है और चल प्लस श्याम है तो रूप क्या बनेगा, चलिए श्याम है। आप देखिए रूप क्या बने हैं, चलिए क्षति चली क्षत और चली श्यंती, चली क्षति चली क्षत और चली क्षत, चली श्यामी चली श्याव और चली श्याम। अब बनाते हैं हम खाली के रूप, चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, खादी क्षति, कलरफुल चौके दिख तो रहा ना कि एकदम खादी क्षत और खादी क्षति। देखिए क्षति मैंने वही लगाया है, सिर्फ खाद में ही का स्वर लगा दिया है, खादी क्षति, इसलिए मैं कलरफुल चौक का इस्तेमाल कर रही हूं ताकि आपको चीजें अलग अलग दिखाई दे। खादी क्षत और खादी क्षत,
खादिश्यामी खादिश्यामः और खादिश्यामः अगर आप बनाते हैं गम का तो गम धातु के रूपों में आप कंफ्यूज ना हो, क्यों? क्योंकि गम धातु के रूप वैसे तो चलते हैं और सब में गच्छ से, लेकिन एक बात बच्चों हमेशा याद रखें कि जिन भी धातुओं के रूप होते कुछ और या चलते किसी और तरीके से हैं, उन सभी के रूप लृट लकार में जैसे हैं वैसे ही चलते हैं। तो गम के रूप कहे चलेंगे गमिष्यति, मैं यहां बना के दिखा देती हूं आपको गम के रूप, देखिए आप गमिष्यति, गम मतलब गमी, गमिष्यत और गमिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यामः और गमिष्यामः। कृड के बनाएंगे तो कृडिष्यति कृडिष्यतः कृडिष्यन्ति। देखिए ब्लैक बोर्ड में सबको साफ साफ दिखा, आप ध्यान से देखिए अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाए। क्रीड के बोल रही हूँ मैं, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यामः क्रीडिष्यामः। मान ली हंस के बनाते हैं तो हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। एक बना देती हूँ हसिष्यति क्रीडिष्यति। मान लीजिए आप बना धाव के तो धाविष्यति, पटके पठिष्यति, आगम के आगमिष्यति, खाद के चल के गम के मैंने बना दिया है, पिड़ के हंस के धाव के पटके ऊपर लिख दिए हैं। और फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बार देखिए कि कैसे क्लियर करने हैं। चीजें बहुत क्लियर आपके सामने बता दी है, आप इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इन धातुओं से इस प्रकार इनकी प्रैक्टिस करें। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके कार्य परफेक्शन नहीं आएगी। आप इनको याद करके प्रैक्टिस करें या इनको देख देख के प्रैक्टिस करें, जैसी मर्जी वैसे करें, लेकिन ये सारे नृत्य आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप धातु रूप अच्छे से बना सकते हैं। आज ही क्लास में जो मैंने आपको लृट लकार करवाया है भविष्य काल का, ये आपको ड्यूट किया जाना चाहिए। प्रत्येक धातु के साथ धातु के अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं, धातु रूप यहाँ बना दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर गम का खाद का और चल का बनाया है, बाकी आगम हस कृण धाप और पट इनके प्रथम पुरुष के एक वचन बना दिए हैं, बाकी द्विवचन बहुवचन मध्यम के तीनों वचन उत्तम के तीनों वचनों की प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी में करेंगे, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास में जो मैंने आपको लट लकार क्लियर करवाया है, वो लट लकार आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसे याद करेंगे और एग्जाम में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी लकार आएगा आप उसे क्लियर करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? आज की क्लास में जो करवाया है उसे लर्न करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।